नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गर्मी के मौसम में बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सके वैसे पके आम की सब्जी बनाना सीखेंगे। इसे बनाना बहुत ही सरल है, अगर आप इसे एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने दो बड़ी साइज के राजापुरी आम लिए हैं। वजन में देखने जाए तो 1 किलो आम है। ये सब्जी बनाने के लिए कच्चे आम का उपयोग ना करें, पक्के आम होंगे तो सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अगर आपको मार्केट में इस तरह के पक्के आम ना मिले तो आप आम को घर पर लाकर 3 से 4 दिन रखोगे तो वो अच्छे से पीले और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब दोनों आम को हम चाकू की मदद से अच्छे से छील लेंगे। अगर आपके वहाँ राजापुरी आम अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह आप वनराज आम में से भी ये सब्जी बना सकते हो, लेकिन आम बिना रेशे वाले और अच्छे हो उस बात का खास ध्यान रखें। ये सब्जी बनाते वक्त हम जो आम रस बनाते हैं वैसे केसर, हाफूस, दशहरी या लंगड़ो आम का उपयोग ना करें, क्योंकि उसमें से सब्जी उतनी अच्छी नहीं बनेगी और आप उसे स्टोर भी नहीं कर सकते। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से दोनों आम को छीलने के बाद चाकू की मदद से उसके बड़े टुकड़े करेंगे। ज़्यादा छोटे टुकड़े ना करें वरना पकाते वक्त आम गल जाएंगे और सब्जी उतनी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। इसके अलावा भी मैंने आम में से बनने वाले विविध प्रकार के अचार और मिठाई की रेसिपी मेरे चैनल पर पोस्ट की है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। ये सब्जी को आप एक बार बनाकर 3 से 4 महीने तक रेफ्रिजरेटर में एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। आम के गुठली के ऊपर जो पल्प लगा हो उसे भी इस तरह से हमें निकाल लेना है। इस तरह से हमने दोनों आम के बड़ी साइज के टुकड़े कर लिए हैं। इसमें से हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए गैस पर एक हैवी बॉटम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है। तेल थोड़ा गरम हो जाए फिर उसमें 3 से 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 3 लौंग ऐड करें। उसके साथ हम 2 सूखी लाल मिर्च और आधा चम्मच छोटी वाली राई ऐड करेंगे। साथ में हम आधा चम्मच हींग ऐड करेंगे। अगर आपकी हींग थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आप 1/2 चम्मच भी हींग ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अचार और आम की सब्जी में हींग थोड़ी ज़्यादा डाली जाती है। तड़का तैयार है, उसमें जो आम के टुकड़े हमने तैयार किए थे वो ऐड करेंगे और तड़का को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें 2 से 3 मिनट तक आम को पकाना है। उसमें स्वादानुसार यानी कि आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक ऐड करें और उसे अच्छे से मिक्स करें। ये सब्जी को बनाने में टोटल 15 मिनट का समय लगता है। आम के टुकड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें स्पैचुला की मदद से लगातार चलाते रहना है। दालचीनी और लौंग को आप बारीक पीस कर भी उपयोग में ले सकते हैं। 3 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद आम के टुकड़े इस तरह से थोड़े सॉफ्ट हो जाए, फिर गैस की फ्लेम एकदम स्लो करें और उसमें 600 ग्राम शक्कर ऐड करेंगे। मार्केट में जो छुंदा बनाने के लिए छोटी वाली शक्कर मिलती है वो मैंने ली है। शक्कर को हम आम में अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्कर ऐड करने के बाद हमें गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है वरना शक्कर कैरेमलाइज हो जाएगी और सब्जी स्वाद में अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपके पास बड़ी शक्कर हो तो आप मिक्सी में उसे दरदरा पीस कर भी उपयोग में ले सकते हैं। 1 किलो आम लिए हो तो उसके सामने आप 600 से 650 ग्राम शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। अब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम उसे लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखें। 3 मिनट तक पकाने के बाद शक्कर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। स्पैचुला के ऊपर इस तरह से
सब्जी को लेकर चेक करें, अभी भी शक्कर के कुछ दाने दिख रहे हैं। जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और एक से सवा तार की चाशनी तैयार हो, तब तक हमें उसे पकाना है। अगर थोड़ी भी शक्कर मेल्ट नहीं होगी तो थोड़े दिन आपको सब्जी खाने में अच्छी लगेगी, फिर शक्कर बोतल में नीचे बैठ जाएगी और जो आम के टुकड़े हैं वो थोड़े सख्त हो जाएंगे। 2 ड्रॉप जितना सब्जी का रसा हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसे 2 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। 2 मिनट के बाद इस तरह से उंगली और अंगूठे की मदद से चाशनी का तार चेक करें। अभी करीबन 1.25 तार की चाशनी तैयार हुई है, इसलिए सब्जी को 2 मिनट के लिए हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि 1 से 1.25 तार की चाशनी तैयार हो जाएगी। सब्जी को ज़्यादा गाढ़ी ना बनाएं क्योंकि हमें फ्रीज में स्टोर करनी है, तो वो गाढ़ी होगी तो स्टोर करने के बाद वो ज़्यादा गाढ़ी हो सकती है। इस तरह से उसकी मीडियम थिक कंसिस्टेंसी हो, फिर गैस की फ्लेम बंद करें और सब्जी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। अगर आपको इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना हो तो सब्जी अच्छे से ठंडी हो जाए, फिर स्वादानुसार आप ऐड कर सकते हो। तो पके आम की सब्जी बनकर तैयार है। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी या खाने के साथ साइड डिश के रूप में सर्व कर सकते हैं, तो इसे आप अवश्य बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।